नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आगाज हो चुका है धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ 2021 का। इस बार के कुंभ में कई चीजें खास होंगी और आकर्षण का केंद्र रहेंगी। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहेगी वो है रामायणा स्ट्रीट। दरअसल इस बार के कुंभ में हरिद्वार में एक ऐसी दीवार बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है रामायणा स्ट्रीट। इस रामायण पथ पर भगवान राम के जन्म से लेकर रावण की मृत्यु तक के दृश्यों को वॉल पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है और इस रामायणा पथ का प्रारंभ होता है यहाँ से। सबसे पहले दृश्य में अग्निदेव राजा दशरथ को यज्ञ के बाद खीर प्रदान करते हैं और ये यज्ञ हुआ था पुत्र प्राप्ति के लिए। इसके अगले दृश्य में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बाल जीवन को दर्शाया गया है, जबकि इसका अगला दृश्य आप देखेंगे, इस दृश्य में माता कौशल्या के साथ भगवान राम के चित्र को दिखाया गया है और ये चित्र आपको अलौकिकता के दर्शन कराता है। अगले दृश्य में गुरु वशिष्ठ भगवान राम और लक्ष्मण को शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद भगवान विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण वन जाते हैं। यहाँ पर तारिका वध के दृश्य को दर्शाया गया है। इसके बाद एक दृश्य में भगवान राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ की सेवा करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद का दृश्य तब का है जब भगवान राम सीता स्वयंवर के लिए जाते हैं और रास्ते में अहिल्या का उद्धार करते हैं। इसके बाद भगवान राम जनकपुरी जाते हैं जहां पर सीता स्वयंवर में वे धनुष का भंजन करते हैं। इसके बाद राम सीता का विवाह होता है और फिर अयोध्या में आगमन होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे मंथरा केकई को भड़काती है राम को वनवास भेजने के लिए। राम सीता राजा दशरथ से वन जाने की इच्छा जाहिर करते हैं और फिर राम लक्ष्मण सीता वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे भगवान राम सीता और लक्ष्मण को केवट नदी पार करवाता है नाव से और फिर राजा दशरथ राम के मोह में प्राण त्याग देते हैं। अत्रि मुनि राम सीता और लक्ष्मण को पंचपटी का रास्ता दिखाते हैं और इसी तरह जब आप इस रास्ते पर, इस राम पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पूरी रामायण आपको दिखती चली जाएगी। और इसके बाद के दृश्य में सूर्पनखा की नाक काटने का दृश्य दिखाया गया है। रावण को जैसे ही पता चलता है कि सूर्पनखा की नाक काट दी गई है तो वो सुबाहु को सोने का हिरण बनाकर भेजता है और सीता हरण रावण साधु भेष में करता है। इसके बाद जब जटायु रास्ते में आता है तो रावण जटायु का वध कर देता है। राम लक्ष्मण को जब जटायु मिलता है तो वे बताता है कि रावण सीता माता को हरण करके लंका ले गया है। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं तो रास्ते में वो सबरी के आश्रम पहुंचते हैं। सबरी के आश्रम में वे सबरी के जूठे मीठे बेर खाते हैं। भगवान राम को शबरी राजा सुग्रीव के बारे में बताती है। सुग्रीव से मिलने से पहले राम और हनुमान जी का मिलन होता है, यानी कि राम और हनुमान पहली बार मिलते हैं। उसके बाद हनुमान जी सुग्रीव से भगवान राम को मिलाते हैं। इसके बाद बाली का वध भगवान श्री राम करते हैं। सुंदरकांड का दृश्य भी यहाँ दिखाया गया है कि हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका जाते हैं और अशोक वाटिका में सीता माता से उनकी मुलाकात होती है। अगला दृश्य रावण के दरबार में हनुमान जी का है जहाँ हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान जी संपूर्ण लंका का दहन कर देते हैं, यानी हनुमान जी अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देते हैं। इसके बाद लंका जाने से पूर्व रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा करते हुए भगवान राम, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना को दिखाया गया है। फिर पूजा करने के बाद सेतु बांधने का समुद्र का दृश्य दिखाया गया है जहां पर भगवान श्री राम वानर सेना के साथ मिलकर श्रीलंका तक राम सेतु का निर्माण करते हैं। इसके बाद लक्ष्मण के मूर्छित होने का दृश्य दिखाया गया है और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाते हैं।
इसके बाद भगवान श्री राम द्वारा कुंभकर्ण का वध दिखाया गया है और कुंभकर्ण के वध के बाद भगवान श्री राम करते हैं रावण का वध। रावण वध के दृश्य के बाद भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी को अयोध्या वापस लौटते हुए दिखाया गया है और अंत में अश्वमेघ यज्ञ के दृश्य को दिखाया गया है। इस यज्ञ के दृश्य में अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को दिखाया गया है और इस घोड़े को पकड़े खड़े हैं लव और कुश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हरिद्वार कुंभ के अलौकिक दर्शन के लिए। मैं कुंभ से जुड़ी हर जानकारी आपको देता रहूंगा, लेकिन उसके लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो समय पर आपको मिलती रहे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में कुंभ से जुड़ी एक अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।